हेलो फ्रेंड्स, आज आटे का हलवा बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आटे का हलवा बनाने के लिए मैंने पहले गैस को ऑन किया है। उसके ऊपर पैन रख के मैंने 1 कप से थोड़ा कम देसी घी डाला है। तो थोड़ा देसी घी को अभी मेल्ट होने देंगे। तो 1 कप मैंने, 1 कटोरी मैंने आटे का लिया है। तो अभी क्या, हम लोग मीडियम फ्लेम के ऊपर आटे को अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि जो आटे का हलवा है इसको अगर आपने अच्छी तरह से नहीं भुना है ना, तो ये थोड़ा स्टिकी सा रहता है। तो जब भी आटे का हलवा बनाए ना, तो इसको अच्छी तरह से भुने, और थोड़ा इसमें घी भी ज़्यादा लगता है। ये देखिए, ऐसे धीरे धीरे मैं मीडियम आंच पे इसको भून रही हूँ। ये देखिए धीरे, कितना अच्छा भुन रहा है, और थोड़ा थोड़ा घी भी लग रहा है, थोड़ा घी भी छोड़ रहा है। इसको 10-15 मिनट लगेंगे भुनने में। जब तक ये भुन रहा है, तो इसके लिए हम लोग पानी इसका तैयार करते हैं। तो मैंने 1 कटोरी शुगर ली है और 3 कटोरी मैंने पानी लिया है, क्योंकि 1 ही कटोरी मैंने आटे के लिए थी और 1 ही कटोरी मैंने शुगर की ली है और 3 कटोरी पानी लिया है। थोड़ा हम लोग उसको शुगर को मेल्ट होने देंगे, ठीक है। जब मेल्ट हो रही है, देखिए धीरे धीरे हम लोग इसको अभी और भूनेंगे। ये कलर चेंज हो रहा है इसका, पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आटे का हलवा थोड़ा टाइम लेता है। जब अगर अच्छी तरह से नहीं भुना तो टेस्ट नहीं आता। तो इसी स्टेज पर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, क्योंकि मैं अलग से नहीं इसको फ्राई करके रखती, क्योंकि मैं जब भी हलवा बनाती हूँ तो वैसे मिडल में डाल दें। हम जब जैसे जैसे आपका ये आटा है, जब सूजी है भुनेगी, साथ में ड्राई फ्रूट भी आपके भुन जाएंगे। ये कितना अच्छा भुना, और घी ऊपर आ गया है और कलर भी पूरा चेंज हो गया है। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। तो अभी हमने जो पानी बना के रखा था ना, तो धीरे धीरे इसमें डालेंगे पानी है इसका। कभी भी एकदम से मत डालें, क्योंकि अगर हम लोग एकदम से डाल देंगे तो आटे की ना गुठलियाँ हो जाएंगी, हलवा ना सही नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए, और धीरे धीरे इसको अच्छी तरह से, ये देखिए पूरा इसको पानी को अच्छी तरह से हम लोग मिक्स, ये पानी पूरा मिक्स हो गया, और वो आटा भी देखो, हलवा भी कढ़ाई से छूट रहा है। तो इसका मतलब हमारा भुन गया। पानी डालने के बाद भी एटलीस्ट आप 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुने, तभी ये सही रहता, नहीं तो स्टिकी सा रह जाएगा। अगर आपने अच्छा हलवा इसका बनाना आटे का, तो ये इसका सिर्फ भूनने का ही तरीका है। अब इसको अच्छी तरह से भूने, और थोड़ा घी ज़्यादा डालें। ये ऑलमोस्ट भून चुका। अभी मैं देखो कटोरी में डाल के देखो कितना खिला खिला बना है, बिल्कुल नहीं इसके साथ चिपक रहा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आप ये सूजी का हलवा आपने कभी बनाया हो तो कैसे बनाते हैं, अगर मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें।